का अवैध उत्खनन चल रहा है। इतना ही नहीं, खदान में चल रहे अवैध उत्खनन के लिए ठेकेदार और कांग्रेसी नेताओं पर आरोप है कि वो सरकारी रेत सीमा के बाहर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। साथ ही शासन प्रशासन के अधिकारी नतमस्तक होकर अवैध रेत उत्खनन को मौन स्वीकृति दे रहे हैं। सन 2018 में खनिज विभाग द्वारा लोहांगी रेत ठेकेदार पर 19 लाख का जुर्माना ठोका गया था। साथ ही परासिया एसडीएम ने भी इस बात को माना है कि लोहांगी रेत खदान में रेत ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परासिया एसडीएम का कहना है कि रेत खदानों पर संयुक्त टीम बनाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मुझे ये ज्ञात हुआ है कि लोहांगी खदान में जो ठेकेदार है वो निर्धारित स्थान से अलग स्थान में रेत का खनन कर रहा है। इस संबंध में जो हमारी टीम का गठन किया गया है, पुनः एक बार सीमांकन कराया जा रहा है, और अगर ठेकेदार द्वारा अलग जगह से खनन किया गया है तो खनिज का माफ करके निर्धारित मानदंडों के अनुसार जुर्माने के लिए कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया। मुख्यमंत्री